नमस्कार नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना सांचे के गणपति बप्पा के लिए मोदक। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक कटोरी बेसन लिया है, बेसन को हमने छान करके लिया है और ये गैस पे हमने पैन रख दिया है। इसमें हम 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे, बेसन डाल देंगे, और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे। इसे हम चलाते रहेंगे इस तरह से। और ये हमने 1 कप दूध लिया है, इसमें हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और 1 पिंच हम इसके अंदर येलो फूड कलर डाल देंगे। और चीनी घुलने तक दूध को हम गर्म करेंगे। ये चीनी घुल गई है दूध में और इसे भी हम चला लेंगे। बेसन को हम अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से देखिए कलर चेंज होने लगा है, थोड़ी देर और चला लेंगे। ये देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये बचा हुआ दूध भी हम डाल देंगे। चला लेंगे। इस तरह से लगातार चलाएंगे। ये कढ़ाई छूटने तक चलाएंगे। इसके अंदर हम ये थोड़ा घी और डाल देंगे। देखिए बेसन ने कढ़ाई को अच्छे से छोड़ दिया है। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये हमने मावा, बूरा और कद्दूकस किया हुआ नारियल और काजू और बादाम को मिक्स कर लिया है। ये छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। ये बराबर बराबर गोलियां बना लेंगे इस तरह से। ये सारे मिक्स से हमने गोलियां बना ली हैं। अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं, ये ठंडा हो गया है। अब इसे हम इस तरह से थोड़ा बड़े छोटे किसी प्रकार के मोदक बना सकते हैं। मैंने ये इस साइज़ के मोदक बना रही हूँ। ये बीच में से हम इस तरह से इसके ऊपर हम ये इसके बीच में रखेंगे और इस तरह से दबाएंगे। बिना सांचे के भी आसानी से मोदक बन करके तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया प्यारा मोदक बना है। एक और इसी तरह से बना करके दिखाती हूँ। इजली बन करके तैयार होने वाला है। ये देखिए सारे मोदक हमने बना लिए हैं। कितने बढ़िया मोदक बने हैं।
इस तरह से गणपति बप्पा के लिए मोदक बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और समय भी बिल्कुल भी नहीं लगता और आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। ये बगैर सांचे के बने हुए मोदक भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।